अब आज की क्लास में पढ़ना है हम लोगों को रिफरेंस इलेक्ट्रोड, रिफरेंस इलेक्ट्रोड। देखिए रिफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं भाई, ऐसा इलेक्ट्रो ऐसा रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है भाई, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको ऑलरेडी पहले से भी पता होती है। रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, इसकी पोटेंशियल हमको पहले से मालूम होती है, इसको बोला जाता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे आप मुझे बताइए, जैसे आप लोग यहाँ में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ में हमने एक जिंक रॉड लिया था भाई, जिंक रॉड, और यहाँ में कॉपर का, यहाँ में सोल्यूशन किसका था, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, और यहाँ में हमने इलेक्ट्रोड डाला भाई कॉपर का, और सोल्यूशन किसका था भाई, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, क्योंकि जिसका भी रॉड होगा उसी के आयन में डिप करना होगा। और बाहर से मान लो ये कनेक्ट कर दिया गया भाई, और ये इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट कर दी गई, तो यहाँ से बताइए एक फॉर्मूला था इनोड सेल, इनोड सेल का, इनोड सेल का वैल्यू क्या होता है भाई, एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और बताइए ये जो वोल्ट मीटर इनोड सेल जो होता है, या में जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा ना भाई, वो सेल की पोटेंशियल को बताएगा, क्लियर है ना। अब मुझे बताइए यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये दोनों इलेक्ट्रोड में किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए, समझ पा रहे हैं भाई, जैसे आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो बताइए आपको आधा सेल का वोल्टेज मिलेगा या पूरा बैटरी का वोल्टेज मिलेगा, पूरा बैटरी का वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो ये जो इनोड सेल है वो क्या है भाई, सेल की पोटेंशियल है, और यहाँ में जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग बताएगा वो पूरा बैटरी की वोल्टेज के बारे में बताएगा। लेकिन आपको आज क्या कैलकुलेट करना है भाई, आधा बैटरी का वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। मतलब आपको क्या निकालना है भाई, या तो जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, या तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या लेते हैं भाई, रिफरेंस इलेक्ट्रोड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ में क्या कर देंगे भाई, मान लीजिए आपको निकालना है जिंक का, किसका निकालना है भाई, जिंक का, तो आप क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको रिफरेंस इलेक्ट्रोड, मान लो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, रिफरेंस इलेक्ट्रोड। और इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको ऑलरेडी पहले से ही मालूम होता है, ठीक है, इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको ऑलरेडी पहले से मालूम होगा। तो बताइए यहाँ में जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, आपने कैथोड में, ये सब कंप्लीट है भाई, आप डायग्राम बना के कर सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट है, और यहाँ में एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, और आपने इसको कहाँ में लगाया है बताइए, कैथोड में या एनोड में, बताइए कहाँ में, ये तो हमारा क्या होगा भाई, एनोड, और ये क्या हो जाएगा भाई, कैथोड। तो यहाँ में जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है वो क्या है भाई, कैथोड है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ में बताइए कैथोड की वैल्यू, क्या ये हमारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, क्या रिफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको ऑलरेडी पहले से ही मालूम होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई। और बताइए इस सेल की पोटेंशियल हमारा, क्या ये वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो सेल का पोटेंशियल बता देगा, और जो कैथोड में जो एसआरपी है, क्योंकि रिफरेंस इलेक्ट्रोड है ना भाई, तो इसकी वैल्यू तो पहले से भी मालूम हो जाएगी, तो यहाँ में इसकी वैल्यू डालो, यहाँ में वैल्यू डालो, तो आप क्या भी निकाल सकते हैं, एसआरपी ऑफ एनोड, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्लियर है ना भाई। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड का हेल्प से हम लोग हाफ बैटरी की वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है हमेशा कहाँ में यूज करना है, कैथोड में, अगर आप यहाँ में इसको एनोड में यूज करते ना भाई, तो कॉपर की वैल्यू निकाला जा सकता था। अगर आधा बैटरी की वोल्टेज को आपको कैलकुलेट करना है तो इस्तेमाल क्या करना है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। जैसे आप ही सोचिए, ऐसा आपने क्या कर दिया भाई, यहाँ में हमारा जिंक, ये हमारा कॉपर था भाई, कॉपर, ठीक है, और आपने किसकी, कॉपर का आधा बैटरी की वोल्टेज निकालना है, तो आपने इसको सिर्फ केवल कनेक्ट किससे कर देना है भाई, एक रिफरेंस, रिफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ में जो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वी क्या है भाई, वी का जो रीडिंग आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा वो सेल का पोटेंशियल बताएगा। और यहाँ में देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, एनोड, इसकी वैल्यू, ये तो अब रिफरेंस का जैसा काम करेगा, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी पहले से मालूम होगा, तो आप क्या निकाल सकते हैं भाई, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि जब भी आपको आधा बैटरी की वोल्टेज निकालनी है, आधा बैटरी की वोल्टेज निकालना है, तो क्या इस्तेमाल करना है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, और उस रिफरेंस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हमको पहले से मालूम होती है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई। लेकिन देखो रिफरेंस इलेक्ट्रोड तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में।
देखिए, अगर आपसे कोई बोलेगा रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है भाई, रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मदद से हम किसी आधा बैटरी की वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है ना भाई। और रिफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमेशा पहले से ही मालूम होता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, क्लियर है ना। और हम इलेक्ट्रोड रिफरेंस इलेक्ट्रोड तो होता बहुत सारा है, लेकिन हमारा सिलेबस में क्या है बताइए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हम लोग जो रेफरेंस या में माना जाता है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं वो क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई। देखो नाम लिखा है स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये मेजर किस में होगा भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन में। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है आपको बताया गया था, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना लेना है 1 मोलर, टेम्परेचर कितना लेना है 25, और प्रेशर कितना लेना है 1 atm या 1 bar, क्लियर है ना भाई। अब देखिए क्या करेंगे, एक हमारा कंटेनर होगा भाई, और ये कंटेनर होगा इसमें 1 मोलर HCl होगा। क्या होगा भाई, 1 मोलर HCl होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन तो कितना होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात किया जा रहा है तो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर। तो बताइए यहाँ में हमारा क्या होगा भाई, H+ आयन। क्या होगा भाई, H+ आयन। आप मुझे बताइए, क्योंकि जब भी आपको बैटरी बनानी होती है तो जिसका आयन होता है उसी का तो इलेक्ट्रोड को डिप करना होता है भाई। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर सोल्यूशन में कॉपर +2 है तो यहाँ में डिप किसको करेंगे भाई, कॉपर रॉड को। अगर सोल्यूशन हमारा Zn+2 का है तो कौन सा इलेक्ट्रोड को डिप करना है, कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड को डिप करना है, जिंक। अगर उसी प्रकार बताइए यहाँ में सोल्यूशन में क्या है भाई, H+ आयन। क्या है, H+ आयन, तो किसको डिप किया जाए, H2। H2 तो गैस है, कैसे डिप करेंगे भाई, H2 तो हमारा मेटल सॉलिड नहीं है, वो तो क्या है बताइए, गैस है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ में, एक प्लेटिनम, ये क्या है भाई हमारा प्लेटिनम वायर, और इसमें एक प्लेटिनम का स्ट्रिप लगा होता है। कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, ये क्या है भाई, प्लेटिनम का एक स्ट्रिप है, और ये कोटेड होता है किसके साथ में, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। क्यों कोटेड किया जाता है उसके बारे में अभी बताया जाएगा। अब हम लोग यहाँ में क्या करते हैं भाई, देखिए ठीक है, इसके अंदर से हम लोग हाइड्रोजन गैस को कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं, और उसका प्रेशर कितना है भाई 1 atm। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये ग्लास की ट्यूब है, ठीक है, यहाँ में ऐसा किया गया है, और यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस सप्लाई करेंगे, और उसका प्रेशर कितना होगा 1 atm। 1 atm क्यों, क्योंकि कंडीशन कैसी है, स्टैंडर्ड। ठीक है, और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ में आके एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एडजॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा एडजॉर्प्शन, जैसे आप लोग जानते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल सरफेस में एक्यूमुलेट करना एडजॉर्प्शन कहलाता है। दो टर्म होता है, एक एब्जॉर्प्शन और एक दूसरा एडजॉर्प्शन। जब भाई आप बाहर जाते हैं तो आपके चेहरे पे डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है या एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब हो जाता है, फिर चेहरा धुलाते हैं डस्ट पार्टिकल निकल जाता है। तो यहाँ में क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो यहाँ में क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगा, मतलब इसके सरफेस पे आ जाएगा, क्लियर है ना भाई। और बताइए एडजॉर्प्शन कब ज्यादा अच्छा होगा, जब स्मूथ होगा या रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस, रफ सरफेस होता है तो एडजॉर्प्शन अच्छा होता है, क्योंकि सरफेस होगी रफ तो सरफेस एरिया होगा ज्यादा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा गैस का एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है, क्लियर है ना भाई। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको कोट करते हैं किसके साथ में, प्लेटिनम ब्लैक के साथ में, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाए, क्लियर है ना भाई। तो अब मुझे बताइए, आप लोग देख रहे होंगे क्या, यहाँ में हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में आ गया भाई, H+ के। हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में आ गया, H+ आयन के। तो यही में देखिए भाई, जैसे आप लोग कॉपर यहाँ में डालते थे, कॉपर सॉलिड, तो किसके कांटेक्ट में होना चाहिए, कॉपर+2 के। अगर जिंक है तो किसके कांटेक्ट में होना चाहिए, Zn+2 का। तो यहाँ में क्या है भाई, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में आ गया, H+ आयन के। किसके कांटेक्ट में भाई, H+ आयन। तो मैं आपको बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी रॉड को उसी के आयन में डिजोल्व करते हैं तो दो कामें होती है, या तो उस मेटल का या उस रॉड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, या उसका केटाइन का, जो मेटल का केटाइन है उसका रिडक्शन हो सकता है। अरे भाई हो सकता है ना, ऐसा दो ही तो काम हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। यहाँ में भी ऐसी दो पॉसिबिलिटीज है भाई,
जो हाइड्रोजन होगा ना भाई, हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, या जो एच प्लस है उनका क्या हो जाएगा भाई, रिडक्शन। तो यही काम हो सकता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस समय इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भाई, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0 ही होती है। ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है भाई, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता कितना ही है, 0। कितना होता है भाई, 0। अगर हम लोग इसको कैथोड पे भी मतलब कैथोड का जैसे भी ये बिहेव कर सकता है और एनोड का जैसे भी बिहेव करेगा, अगर मान लीजिए एज एनोड के जैसा बिहेव करेगा भाई, तो आप मुझे बताइए एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2 का होगा या H+ का होगा, H2 का। तो बताइए H2 क्या करेगा भाई, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, लॉस हो। क्या इसे लिखा जा सकता है, अगर इसको हम लोग कैथोड पे यूज करें, कहाँ पे है भाई, कैथोड पे, तो बताइए रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H2 में कन्वर्ट हो जाए, हो जाएगा ना भाई। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल होगा कितना, बताइए, 0, क्योंकि इसको माना गया क्या, रिफरेंस, क्या माना गया भाई, रिफरेंस। और यहीं से हम लोग हर एक इलेमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ई नॉट H2 से H+, अरे भाई लिखा जा सकता है क्या, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी भाई, 0। अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिखूं, ई नॉट H+ से H2, बताइए इसको क्या लिखा गया है, रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो, आपको यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई, और यही जो वायर है ना भाई, दूसरा अगर मान लो यहाँ में हमारा कॉपर है, क्या है भाई, कॉपर है, और इसी के साथ में जब कनेक्ट कर देंगे तो इसका तो इलेक्ट्रोड बताइए, ये पूरा पूरा सेल का जो वी का जो रीडिंग होगा ना, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा, वो सेल का पोटेंशियल हो जाएगा, किसका पोटेंशियल, सेल का, और यहाँ में इसका वैल्यू कितनी है भाई, 0, तो क्या कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक इलेमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी के मदद से निकाल लेते हैं। क्लियर है कि आप समझ पा रहे हैं भाई, आप इसको किस पे भी लाई, इसको कैथोड पे भी लाई करेगा, ये एनोड पे भी, किसी का कहीं पे भी ये लाई करेगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कितना ही होता है, 0। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा बताओ मान लो ये लिखा गया है, अगर मान लो हम लोग यहाँ में इसको यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, जैसे हमारा ये जो हाइड्रोजन का, ठीक है आप थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, ये जो था, ठीक है ये हाइड्रोजन ही था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, और इसको आप कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं कॉपर के साथ में, किसके साथ में भाई, कॉपर के साथ में, आपने इसको यहाँ में कनेक्ट कर दिया, और इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो इनोड सेल क्या हो जाएगा बताइए, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, अब यहाँ में देखिए आपने कैथोड में ये क्या है भाई, एनोड, और ये क्या होता है, कैथोड, मालूम है आपको। और बताइए यहाँ में जो हमारा क्या लिखा लगा होगा, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या बताएगा, सेल की पोटेंशियल, क्या ये तो मालूम हो जाएगा। और बताइए यहाँ में एनोड, एनोड में क्या लगा है, हाइड्रोजन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0, और इसकी वैल्यू तो मालूम है ना भाई, तो क्या यहाँ से इसकी वैल्यू निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है, निकल सकती है। क्या आप ये हाइड्रोजन को बताइए, अगर आप मान लो इधर में यूज नहीं करके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, अब इसको कैथोड के जैसे यूज करिए, तो मान लो यहाँ में वायर आया, और ये जिंक का, जिंक में यूज कर लीजिए भाई, समझ पा रहे हैं भाई, तो यहाँ में आप बताओ ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसके जैसा बिहेव हो गया भाई, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कैथोड पे, तो क्या उसकी वैल्यू तो 0 होगी, और जो इनोड सेल तो वोल्ट मीटर से निकल जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या यूज करना पड़ेगा आपको, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में कौन सा वाला, हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। समझ पा रहे होंगे आप लोग, यही है। अच्छा देखिए इसको जब अगर लिखा जाए, तो अगर मान लो भाई ये एनोड पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, एनोड पे, तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एनोड में तो क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन, तो H2 से H+, क्या सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको बताया गया था,
क्या यहाँ में एनोड होता है भाई? एनोड होता है ना भाई, एनोड के साथ में दो लाइन होती है, क्या ये सॉल्ट ब्रिज बना, सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा? और यहाँ में जो लिखा होगा इसको किसके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है उसको लिख लीजिए, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? और कभी कहीं यहाँ में लिखा जाता है प्लेटिनम, यहाँ में क्या लिख दिया जाता है भाई? प्लेटिनम भाई, जो जो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? प्लेटिनम पे, कहाँ पे? प्लेटिनम पे, इसलिए यहाँ में क्या भी लिखा हो जाता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम कैसा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है भाई, कैसा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अच्छा अगर मान लो इसको यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहाँ में यूज कर रहे हैं आप लोग? कैथोड पे, तो कैथोड पे तो रिडक्शन होगा है ना, तो पहले हमारा यहाँ में क्या होगा भाई? एनोड होगा, यहाँ में क्या होगा? एनोड होगा और सॉल्ट ब्रिज होगा, और कैथोड पे क्या लाई कर रहा है भाई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो क्या लिखा जा सकता है? एच प्लस से एच टू, लेकिन यहाँ में क्या भी लिखा हो सकता है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ में किसका साथ में कनेक्ट किया जा रहा है उसका यहाँ में हो जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो इतना डायग्राम नहीं बना के इसको शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ में क्या आएगा? अरे देखो एनोड में क्या है, जिंक है कि एल्यूमिनियम है कि क्या है, क्लियर है ना भाई? उसके साथ में इसको रिलेट करेंगे। और बताओ ये किसका जैसा बिहेव कर रहा है भाई? ये तो कहाँ पे है भाई? एनोड पे, तो कैथोड में क्या होगा वो देख लीजिए, क्लियर है ना भाई? तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यही है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.05 वोल्ट है, कैसे पता चला होगा भाई? लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, तो बताओ इस लिथियम को किसके साथ में कनेक्ट कर दिया गया होगा? हाइड्रोजन के साथ में, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दिया गया होगा, तो वहां से जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा वो सेल का पोटेंशियल हो जाएगा, और हाइड्रोजन का जीरो है तो वहां से क्या निकल गया होगा? लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? हर एक एलिमेंट का निकल सकता है, लेकिन आपको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कॉपी कर लीजिए, ठीक है हो गया। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, देखिए एली मतलब क्या होगा? ली के बाबा काका ने मांगे, ठीक है मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, ठीक है याद होना जरूरी है। क्वेश्चन देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और उसमें से एक क्वेश्चन 100% आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आता है, ठीक है तो लिख लेंगे ली के, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए भाई, इसको याद तो करना है बेसिकली, बस वही है। ली के बी मतलब बाबा, काका मतलब सीए हो जाएगा, ली के बाबा काका ने मतलब एनए सोडियम हो जाएगा, मांगी अलमीरा, एल मतलब अलमीरा, अलमीरा मतलब अलमारी, समझ पा रहे हैं ना भाई? लेके बाबा काका ने मांगी अलमीरा, एम एन से हो जाएगा मनी पानी, चलिए लिख लीजिए। लेके बाबा काका ने मांगी अलमीरा मतलब अलमारी, ठीक है मनी पानी, ठीक है, और जेडेन मतलब और क्या मांगी भाई? जमीन, सी आर मतलब कार, एफ ई मतलब फ्रिज, ठीक है कार फ्रिज, कार फ्रिज, सी डी, सी डी पहले डीवीडी, सी डी, सी डी आता था है ना कैसेट, ठीक है और वही सी डी, मनी ऐसा मांगा उन्होंने, ठीक है यहाँ तक हो गया, एफ ई तक हो गया, सी डी तक हो गया ना, सी डी, उसके बाद लिखिए सी ओ मतलब कोई नहीं सुनता, सी ओ मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, एस एन मतलब सुनता, पी बी मतलब प्रॉब्लम हमारी, ठीक है याद हो गया क्या? हाइड्रोजन तक याद हो गया भाई, तो ये 3 4 बार पढ़ के आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लिखे बाबा काका ने मांगे अलमीरा, मनी, पानी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी, कोई नहीं सुनता, प्रॉब्लम हमारी, क्लियर है ना भाई? अब देखो इसको याद करना है, तो इसको याद रखेंगे सी एच ए
इसको याद रखना है चापा, क्या याद रखना है चापा, मतलब हाइड्रोजन के नीचे में जो लिखा है वो क्या कैसा मेटल है, चापा मेटल, चापा सी मतलब क्या हो जाएगा भाई, कॉपर, क्या हो जाएगा कॉपर, एच का मतलब क्या हो जाएगा मरकरी, ए मतलब क्या हो जाएगा सिल्वर, पी मतलब हो जाएगा प्लेटिनम, और पी मतलब क्या हो जाएगा भाई प्लेटिनम, और ए सी एच ए पी ए, यहाँ में ए हो जाएगा और ए का मतलब क्या होगा गोल्ड, क्लियर है ना, आपको याद हो गया ठीक है। बेसिकली आपने पूरा इसको याद कर लिया है और आपको याद भी कर लेना है भाई, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में तो याद करना नहीं है, आपको किस फॉर्मेट में कैसे याद करना है वो अभी आपको सिखाया जाएगा, क्लियर है ना। ठीक है भाई, आप ये लिख लिए होंगे हाइड्रोजन का नीचे में क्या है भाई, चापा, ठीक है, सी मतलब कॉपर, एच का मतलब मरकरी, ए का मतलब एयू, मतलब इसके सामने लिखना है एयू, और पी कहाँ लिखना है भाई, प्लेटिनम का आगे में पी और एयू का आगे में ए, ठीक है समझ पा रहे हैं। और इसके नीचे में क्या है भाई, हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा हुआ है, क्लियर है ना। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, अच्छा हम देखेंगे इसका इनोड का वैल्यू, यहाँ में क्या लिखा है इनोड, इनोड का मतलब जब भी सेल का पोटेंशियल, इनोड इनोड लिखा है तो बताओ कौन सा सेल का पोटेंशियल तो नहीं होगा भाई, आधा बैटरी का पोटेंशियल होगा, इसको क्या बोला जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनोड लिखा है ना भाई, कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप हमेशा कौन सा पोटेंशियल मानेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। मान लीजिए लिथियम का जस्ट आगे में आप लिख लीजिए -3.05 वोल्ट, ठीक है कितना भाई -3.05 वोल्ट, और बताइए यहाँ में हाइड्रोजन कहीं दिखाई दे रही है, यहाँ में दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन की वैल्यू बताइए कितना होता है, इसका तो 0 होता है, कॉपर का वैल्यू कितनी होती है भाई 0.34 वोल्ट, और यहाँ में बताइए F2 का वैल्यू +2.87 वोल्ट। अब क्या देख रहे हैं भाई, आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्या उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इनोड का मतलब क्या है भाई, इनोड का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है ना भाई। तो आप मुझे बताइए ऊपर से नीचे जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है, अगर एसआरपी की, अच्छा बताइए लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है, क्या है भाई -3.05, तो बताओ इसका एसओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा +0.35, अगर इनका एसआरपी की वैल्यू +2.87 है तो इनका एसओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा -2.87, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं भाई एसआरपी तो बढ़ रहा है लेकिन एसओपी क्या हो जाएगा भाई घट जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। अच्छा ये हर एक इलेमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल लिख के वैल्यू याद करना जरूरी नहीं है, आप मुझे ध्यान दीजिएगा, मान लो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब ये क्या किया गया होगा भाई, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से इसकी वैल्यू निकाला गया होगा, अगर कॉपर का निकालना है तो इसके साथ में क्या कनेक्ट कर देना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन, अरे भाई SHE ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन का वैल्यू तो 0 हो जाएगा और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या बता देगा सेल का पोटेंशियल, तो यहाँ से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा, क्लियर है ना भाई। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि बताइए जो इलेमेंट हाइड्रोजन से ऊपर में है, जो इलेमेंट हाइड्रोजन से ऊपर में है उनकी एसआरपी की वैल्यू कैसी आएगी भाई, निगेटिव, कैसी आएगी निगेटिव, लेकिन जो इलेमेंट हाइड्रोजन का नीचे में है उसका एसआरपी का वैल्यू कैसे आ रहा है पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो बाकी सारे कैसे होंगे भाई पॉजिटिव। अब मुझे बताइए आपको याद कैसे करना है, क्या बताओ यहाँ में सारे आपको बताइए हाइड्रोजन का ऊपर में क्या है भाई, मेटल है नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का ऊपर में क्या लिखा है मेटल, वाटर को छोड़ दिया जाए क्या लिखा है भाई मेटल, हाइड्रोजन का नीचे में भी मेटल है कि नहीं है, है, लेकिन क्या हाइड्रोजन का नीचे में नॉन मेटल भी है, मतलब मेटल तो हर जगह है, ये ऊपर में भी है और नीचे में भी है लेकिन नॉन मेटल हमेशा नीचे में है, नॉन मेटल कैसा है भाई नीचे में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपको याद कैसे करना है भाई, लिथियम तो सबसे ऊपर होगा, लिथियम सबसे ऊपर होगा, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, क्या होगा भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे में याद रखेंगे हाइड्रोजन का नीचे में क्या होता है भाई चापा मेटल, क्या होता है भाई चापा मेटल, याद रखेंगे CHAPA, ये चापा, इसको बोला जाएगा चापा मेटल, क्या बोला जाएगा भाई चापा मेटल, मतलब सी से क्या आएगा बताइए कॉपर, सी से क्या आ जाएगा भाई कॉपर, एच से क्या आ जाएगा मरकरी, ए से क्या हो जाएगा सिल्वर, पी से क्या हो जाएगा भाई प्लेटिनम, और ए से क्या हो जाएगा भाई गोल्ड, क्लियर है ना भाई, ध्यान से सुनेंगे क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। तो
तो हाइड्रोजन का नीचे में जो लिखा है वो कैसा है, चापा मेटल है, लेकिन इसके साथ में क्या लगा है भाई, इसके साथ में तो हेलोजन है, क्या है भाई, हेलोजन, लेकिन वो हेलोजन किस ऑर्डर में है भाई, रिवर्स ऑर्डर में, कौन सा ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब यहाँ में हो जाएगा F2Cl2 Br2I2, क्या हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे एलिमेंट याद हो गए, चापा मेटल होगा और नॉन मेटल में हेलोजन होगा, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, नीचे में होगा F2, ऊपर में होगा I2, क्लियर है ना भाई। भाई ये बिल्कुल भी, देखो मेटल है और ये नॉन मेटल है, मेटल का क्वेश्चन अलग बनता है, नॉन मेटल का क्वेश्चन अलग बनता है, तो इसके नीचे में I2 आएगा वो सब याद करने जरूरी नहीं है। अरे भाई इसका क्वेश्चन तो मेटल का अलग बनता है, नॉन मेटल का अलग बनता है, तो कॉपर का नीचे में I2 आएगा कि Br2 आएगा, उसके अंदर में क्या है उसको याद करना नहीं है आपको, बस हाइड्रोजन के नीचे में जो इलेमेंट है वो कौन कौन से इलेमेंट है भाई, मेटल में तो चापा मेटल है और चापा मेटल के साथ में हेलोजन है, लेकिन वो कौन सा ऑर्डर का है भाई, रिवर्स ऑर्डर, बोलो क्लियर है ना भाई। आपको याद हुआ कि सबसे ऊपर में क्या होगा, हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या होगा भाई, मिडिल में होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे में कौन से मेटल सबसे नीचे में है, कौन सा मेटल सबसे नीचे में है, गोल्ड, कौन सा मेटल है भाई, अरे भाई F2 तो नॉन मेटल है ना, गोल्ड हमारा मेटल है, समझ पा रहे हैं भाई, Au, मतलब लिथियम तो सबसे ऊपर में है और गोल्ड सबसे नीचे में है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, जो चापा मेटल है वो कैसे हैं भाई, लेस रिएक्टिव मेटल है, कैसे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल है, क्या बताइए, गोल्ड रिएक्टिव होता है क्या, मोर रिएक्टिव होता है क्या, लेस रिएक्टिव होता है, तो जो भी मेटल लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन का नीचे में है, वो हाइड्रोजन का नीचे में है, और जो हाइड्रोजन का ऊपर में है वो एलिमेंट कैसे है भाई, मोर रिएक्टिव मेटल है, कैसे है भाई, मोर रिएक्टिव मेटल है, ध्यान, क्या आपको समझ पा रहे हैं क्या, अगर मान लो लिखा है ए तो बताओ ये मेटल है नॉन मेटल है, मेटल है, लेकिन वही लिखा जाए A2 तो भी मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल, अरे भाई जो नॉन मेटल है वो क्या है, F2Cl2 Br2I2 किस फॉर्म में पाया जा रहा है, डाई एटोमिक फॉर्म में, अरे भाई नॉन मेटल तो कौन सा फॉर्म में पाया जाएगा, डाई एटोमिक, और मोनो एटोमिक में तो मेटल होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, जैसे बताइए F2Cl2 Br2I2 लिखा गया है, इसका मतलब ये तो नॉन मेटल है और ये तो हाइड्रोजन का नीचे में होगा, क्लियर है ना। अच्छा मान लो लिखा है यहाँ में ABC, इसका मतलब ये क्या होगा भाई, मेटल होगा, लेकिन वही A2 B2 C2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, नॉन मेटल, क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको याद कैसे करना है, याद तो करना है कि ऊपर में होता है लिथियम, फिर हाइड्रोजन, फिर नीचे में जो एलिमेंट होते हैं वो चापा मेटल होते हैं, और साथ में क्या होते हैं भाई, हेलोजन, लेकिन हेलोजन का जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर में होते हैं वो नॉन चापा मेटल होते हैं, और उनका जो SRP की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, निगेटिव, कैसी होती है भाई, निगेटिव, और जो हाइड्रोजन का नीचे में एलिमेंट होते हैं उनका SRP का वैल्यू पॉजिटिव होता है, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई। देखिए हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है भाई, हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की भी, और क्या होने की भी होती है, रिड्यूस होने की, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, और ये क्या होगा भाई, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। देखिए हर एक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी है, या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो क्या होगा भाई, रिड्यूस होगा। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या बताइए कौन सा ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो उसकी बताइए ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और रिड्यूस होने की टेंडेंसी, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या बताइए ऊपर से नीचे जा रहे हैं उसका क्या बढ़ रहा है, SRP की वैल्यू बढ़ रही है, SRP की वैल्यू क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है, अगर बताइए SRP की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका, बताइए SRP की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी। और भाई देखो जिसका SRP ज्यादा, सबसे ज्यादा SRP किसका सबसे ज्यादा होता है भाई, फ्लोरिन का, तो बताइए फ्लोरिन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है, भाई मैं क्या करूं, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाऊं क्या, अरे भाई नॉन जो हेलोजन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, आप मुझे बताइए जो हेलोजन फ्लोरीन है क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब क्या इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है भाई, अरे भाई इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है भाई, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो तो रिड्यूस ना हो गया भाई, उनका रिडक्शन हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उनका क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन। आप मुझे बताइए मेटल का टेंडेंसी क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का देना होता है, और नॉन मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का लेना होता है, तो आप मुझे बताइए किसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की सबसे ज्यादा होगी, अरे भाई जिसका SRP का वैल्यू ज्यादा हो, जिसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो, और सबसे ज्यादा रिडक्शन होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की,
क्योंकि उसका एसआरपी सबसे ज्यादा है। अगर एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। अगर ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिड्यूस ना हो जाएगा भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बताइए, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। मतलब जिनका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा, उनका टेंडेंसी क्या होता है भाई? रिड्यूस होने का होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, खुद का तो रिडक्शन हो जाएगा लेकिन सामने वाला को ऑक्सीडाइज करा देगा। क्या करा देगा भाई? ऑक्सीडाइज। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी। अब मुझे बताइए, मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा? अरे भाई, वो मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा जिसका एसआरपी का वैल्यू, एसआरपी का वैल्यू देखिए कितना निगेटिव है। मतलब ये देख, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए, लिथियम का एसआरपी का वैल्यू कितना है भाई? निगेटिव। मतलब लिथियम का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी निगेटिव में है और वो सबसे ज्यादा है निगेटिव में। तो आप मुझे बताइए, क्या लिथियम का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी? अरे भाई, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? +3.05। मतलब क्या लिथियम का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? अरे भाई, है कि नहीं है? तो आप मुझे बताइए कि जिसका, किसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा? अरे भाई, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी नहीं, जिसका एसओपी का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि किसका ऑक्सीडाइज, कौन जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा? अरे भाई, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। और बताइए, जिसका एसओपी ज्यादा होता है उसका एसआरपी की वैल्यू क्या होती है भाई? कम। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका एसआरपी कम है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होती है, और जिसका एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की होती है। क्या होती है भाई? रिड्यूस होने की होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ, आप लोग यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ गए? आप मुझे बताइए, क्या हाइड्रोजन के ऊपर में जो, मेटल लिखे गए हैं, हाइड्रोजन के ऊपर में जो मेटल लिखे गए हैं उनका एसआरपी का वैल्यू निगेटिव है? अगर निगेटिव का निगेटिव है, इसका मतलब क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या देना चाहता है? देना चाहता है। लेना नहीं चाहता है, क्या करना चाहता है? देना चाहता है। मतलब उनका क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन। क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन। लेकिन जो इलेमेंट का एसआरपी का वैल्यू पॉजिटिव है, जो इलेमेंट का एसआरपी का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब उनका क्या होने वाला है? रिडक्शन। क्या होगा भाई? रिडक्शन। मतलब ध्यान दो, हाइड्रोजन के ऊपर वाले इलेमेंट का होता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन के नीचे वाला इलेमेंट का होता है क्या है भाई? रिडक्शन। क्या होगा भाई? रिडक्शन। अब देखो, मैं लास्ट क्लास में तो पढ़ाया था भाई डेनियल सेल, लेकिन मैं वहां में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था कि हम लोग जब भी एनोड बनाते हैं तो कॉपर का, सॉरी, जिंक का क्यों लेते हैं, और जब भी कैथोड पे कॉपर क्यों ले लेते हैं, इसका आंसर नहीं बताया गया था। और आज वो टाइम आ गया है जिसका आंसर आप बता सकते हैं भाई। अब मुझे बताइए, हम लोग तो गैल्वेनिक सेल पढ़ लिए थे भाई, उसमें डेनियल सेल पढ़ लिए थे, और वहां में हम लोग क्या ले रहे थे भाई? जिंक ले रहे थे और कॉपर। और जिंक को कहाँ में रखा गया था भाई? एनोड में। और कॉपर को कहाँ में रखा गया था भाई? कैथोड में। आपने क्या समझा कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले इलेमेंट एनोड पे होंगे और नीचे वाला कैथोड, क्योंकि उनका रिडक्शन होगा। अरे भाई, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो इलेमेंट हाइड्रोजन का ऊपर में है उनका एसआरपी का वैल्यू निगेटिव होता है, निगेटिव होने का मतलब उनका रिडक्शन नहीं, उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन। लेकिन जो इलेमेंट हाइड्रोजन का नीचे में होता है उनका क्या होने वाला है? रिडक्शन। अरे भाई, अगर रिडक्शन होगा तो उनको कहाँ पे रखना है? एनोड पे। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहाँ पे रखना है? मैंने गलत बोल दिया क्या? चलिए, मैं अपनी बात फिर वापस लेता हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस इलेमेंट का एसआरपी का वैल्यू निगेटिव होता है उनका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है तो वो एनोड पे होंगे। क्लियर है ना भाई? जिनका एसआरपी की वैल्यू, पॉजिटिव है उनका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो उनको कहाँ रखा जाएगा? कैथोड पे। आप मुझे बताइए, क्या ऊपर वाला इलेमेंट को एनोड पे रखना है, कैथोड पे रखना है? एनोड पे। और नीचे वाला इलेमेंट को कहाँ रखा जाएगा भाई? कैथोड में। आप मुझे बताइए, जिंक और कॉपर जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो बताइए जिंक कहाँ में आता है भाई? देखो, कॉपर, अरे भाई चापा मेटल, चापा मेटल तो हाइड्रोजन का नीचे में होगा, मतलब कॉपर का क्या होने वाला है? रिडक्शन। क्या होगा भाई? रिडक्शन। तो कहाँ में रखा जाए इसको? कैथोड पे। और जिंक तो भाई नॉन चापा इलेमेंट है, ली के बाबा काका ने ऐसा याद कराया गया था ना भाई। तो क्या वहां में जिंक हमारा हाइड्रोजन का ऊपर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसलिए जिंक को कहाँ में रखना है? एनोड में। इसलिए जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हो जाएगा भाई? रिडक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अगर हमको हमको बनाना है गैल्वेनिक सेल, क्या बनाना है भाई? गैल्वेनिक सेल। क्या बनाना है? गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में हमको लेना है गोल्ड। क्या लेना है भाई? गोल्ड। और एक लेना है मैग्नीशियम।
तो किसको कहाँ रखा जाए, अब तो ये आपको पता चल जाएगा। आप मुझे बताइए क्या ये चपा मेटल है? अरे भाई गोल्ड देख के चपा मेटल है ना भाई, तो कहाँ होगा हाइड्रोजन का? नीचे, और नीचे होगा तो उनका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड। कहाँ पे होता है? कैथोड। मतलब गोल्ड को कहाँ, गोल्ड को बनाना है कैथोड और मैग्नीशियम को, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा मान लीजिए यहाँ में आपको एक और आंसर दिया गया और बोला गया बताइए सोडियम और मैग्नीशियम, क्या लिया भाई? सोडियम और मैग्नीशियम, उससे हमको बनाना है गैल्वेनिक सेल। क्या बनाना है भाई? गैल्वेनिक सेल। क्या इसमें चापा मेटल तो है नहीं, तो क्या इस केस में आपको तो पूरा सीरीज याद करना पड़ेगा? और भाई जो इलेमेंट ऊपर होता है उसको एनोड बनाना है, जो इलेमेंट नीचे होता है उसको कैथोड बनाना है। आप मुझे बताइए एनए और एमजी में किसको एनोड और किसको कैथोड बनाया जाए, बताओ? ऊपर में सबसे कौन होता है भाई, एनए होता है या एमजी होता है? एनए होता है, तो एनए को क्या बनाना पड़ेगा? एनोड। और एमजी को क्या बनाना पड़ेगा भाई? कैथोड। क्या ये अब आपका आंसर मिल गया कि कैनोड किसका बनाना है और कैथोड किसका बनाना है? क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या आपने कॉपी कर लिया भाई? क्या आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा जगह पे ये जो वैल्यू लिखा गया था ना, जितना लिखा है उतना लिख लीजिए और ये जल्दी से कॉपी करिए, आगे बढ़े हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताइए सबसे ऊपर में कौन सा एलिमेंट था भाई? लिथियम। और इसके नीचे में कौन सा एलिमेंट था हमारा? चापा मेटल, CHAPA। आपको याद होना चाहिए, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक है भाई, याद होना चाहिए, ये हमारा मेटल था। और ये मेटल कैसे है भाई, रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव मेटल है? लेस रिएक्टिव मेटल है। और ये बताइए ये मेटल है और हाइड्रोजन का नीचे में हमारा नॉन मेटल भी था, और नॉन मेटल डायएटॉमिक फॉर्म में होगा, कौन सा होगा भाई? हेलोजन। लेकिन कौन सा ऑर्डर में भाई? रिवर्स। यहाँ में क्या होगा भाई? F2Cl2Br2I2। ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना कि इसके नीचे में I2 आएगा कि दो के बाद Cl2 आएगा, क्लियर है ना? क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, दोनों का क्वेश्चन सेपरेट बनता है, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, लेकिन ये पूरा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए हाइड्रोजन का ऊपर में जो था वो सारा मेटल था, लेकिन नीचे में भी मेटल था और साथ में क्या था? नॉन मेटल। मतलब मेटल तो हर जगह है, लेकिन नॉन मेटल हाइड्रोजन का नीचे में, लेकिन जो हाइड्रोजन का ऊपर में जो इलेमेंट था उनका SRP की वैल्यू कैसी हो रही थी? निगेटिव। और लेकिन हाइड्रोजन का नीचे का SRP का वैल्यू पॉजिटिव था। अब मुझे बताइए जिसका SRP की वैल्यू ज्यादा, उसकी ज्यादा होती है, उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने के लिए होती है या रिड्यूस होने की? रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और जिसका SOP का वैल्यू ज्यादा होता है उनका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होता है। ये सब आपको बता दिया गया भाई। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन, पांच एप्लीकेशन लिखना है भाई, तो अब लिखेंगे आप एप्लीकेशन। और बताइए हमको कैथोड और एनोड बनाना है, तो ऊपर वाला को हमेशा क्या बनाना पड़ेगा? एनोड। और नीचे को क्या बनाना पड़ेगा भाई? कैथोड। इसमें हम लोग को फर्स्ट पॉइंट में कंपेयर करना है भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है, आप लोग पढ़े थे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे ना? तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर कहलाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का जो पावर होगा वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग पावर। अब मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होगा? ये दूसरा को तो ऑक्सीडाइज कराएगा, लेकिन खुद क्या हो जाता है भाई? रिड्यूस। मतलब इनका सेल्फ का क्या होना है भाई? इनका तो सेल्फ रिडक्शन ना होता है? अरे भाई इनका सेल्फ का खुद का रिडक्शन होगा, लेकिन सामने वाला को ऑक्सीडाइज करा देगा, उसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग ऐसे याद किए होंगे कि जिनका रिडक्शन होता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, है ना भाई? भाई खुद का रिडक्शन होगा तभी ना इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज करा रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है भाई? रिड्यूस। और रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होगा भाई? दूसरा को रिड्यूस कर देगा और खुद आगे बढ़ जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन और सामने वाला का रिडक्शन, मतलब रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ रिडक्शन, सॉरी सेल्फ ऑक्सीडेशन। भाई दूसरा को, ये दूसरा को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके बराबर होगा भाई? क्या इनका खुद का क्या होने वाला है? रिडक्शन। और किसका रिडक्शन होता है भाई? जिसका SRP की वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा। SRP का मतलब होता है रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा, और जिसका SRP की वैल्यू जितना ज्यादा होती है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है मतलब उनका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो बताइए I2 ज्यादा रिड्यूस होगा कि F2 ज्यादा रिड्यूस होगा?
F2, क्यों? क्योंकि उनका SRP का वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना भाई? अब मुझे बताइए, सेल्फ रिडक्शन मतलब जिनका खुद का रिडक्शन होगा उनको ऑक्सीडाइजिंग पावर बोला जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई? SRP। मतलब जितना ज्यादा SRP की वैल्यू होगी, मतलब देखो रिडक्शन पोटेंशियल होने की, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज्यादा है मतलब उनका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगा भाई, और रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। ये खुद का ऑक्सीडेशन होना है, खुद का ऑक्सीडेशन होना है, तो जिसका SOP का वैल्यू ज्यादा होगा, उनका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। क्लियर है ना भाई? और SOP ज्यादा तो मैं बोल सकता हूँ क्या, SRP की वैल्यू कम, क्योंकि SOP और SRP एक दूसरे का इन्वर्सली है, जिसका SOP सबसे ज्यादा उसका SRP सबसे कम होता है। तो आप मुझे बताइए भाई, कभी भी आपको ऐसा कंपेयर करना है कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है या रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SRP देखना पड़ेगा। मतलब जिसका SRP ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, और जिसका SRP की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा भाई? कम। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे थे तो सबसे ऊपर में कौन सा एलिमेंट था भाई? लिथियम। और सबसे नीचे में क्या था भाई? फ्लोरीन। तो एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है ना भाई? आप मुझे बताइए Li, फ्लोरीन के बारे में बताइए, फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। अरे भाई फ्लोरीन क्या करेगा, मेटल है नॉन मेटल है? आप मुझे बताइए, नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है? देता है, लेता है। लेता है मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन होता है क्या भाई? और जिनका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैं भी लिख सकता हूं क्या, जो फ्लोरीन होगा उसका स्ट्रॉन्गेस्ट ये क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? F2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिनका खुद का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा? F2 का सबसे ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? और बताइए Li क्या लिखा है? लिथियम। लिथियम क्या सबसे ऊपर में है भाई? और लिथियम मेटल है नॉन मेटल है? मेटल। अब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? देगा। इलेक्ट्रॉन का देना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि लिथियम का SRP सबसे कम, उससे कम तो हो ही नहीं सकता भाई। यही दो एक्सट्रीम केसेस थे। तो एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। भाई याद करना है क्या? नहीं। नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेगा। नॉन मेटल में सबसे नीचे कौन आएगा? फ्लोरीन। अरे भाई नॉन मेटल में सबसे नीचे कौन आएगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा मतलब क्या होगा? रिडक्शन। और जिनका रिडक्शन उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या भाई आप समझ पा रहे होंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया? पहला एप्लीकेशन में किसी को डाउट है? मतलब अगर आपको कंपेयर करना है ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? उसके लिए क्वेश्चन में SRP की वैल्यू दिया जाएगा। अगर मान लो SOP का वैल्यू दिया जाए, किसका वैल्यू दिया जाए भाई? SOP। अरे भाई SOP का दिया जाए वैल्यू, तो क्या हम SRP की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं? केवल तो साइन ही तो चेंज करना है, तो SRP आ जाएगा। और उसके बाद जिसका SRP ज्यादा होगा भाई, जिसका SRP ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए दूसरा एप्लीकेशन को भी हो गया भी होगा। दूसरा में लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। आप मुझे बता लेंगे जल्दी से कौन मेटल की रिएक्टिविटी? अच्छा मेटल क्या करता है, मेटल कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसके बारे में बताना है। क्लियर है ना? तो मेटल की रिएक्टिविटी बताइए, मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल क्या करता है भाई? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करेगा वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। समझ पा रहे हैं? कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भाई? जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब किसका सबसे ज्यादा है? लिथियम। सबसे ऊपर में कौन है भाई? लिथियम। तो लिथियम याद रखेंगे वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है जिसका SOP का वैल्यू सबसे ज्यादा है, या बोल सकते हैं कि जिसका SRP की वैल्यू सबसे कम है। मतलब कौन सा मेटल सबसे रिएक्टिव है, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? लिथियम। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्यों? क्योंकि लिथियम का SRP का वैल्यू सबसे निगेटिव है। अरे भाई लिथियम का
एसआरपी का वैल्यू कितना है, -3.05। मतलब लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। मतलब लिथियम इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का लेना, क्लियर है ना भाई। अच्छा अगर मैं बोलूं इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 3.05 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी -3 टाइम्स है, क्लियर है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, अरे भाई इतना ना हो जाएगा तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ये केटाइन बनाएगा और किसी के साथ में रिएक्शन कर सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो किसकी रिएक्टिविटी, कौन सा मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, लिथियम, मतलब वो मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है जिसका एसओपी का वैल्यू सबसे ज्यादा है या जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम है। अच्छा बताओ कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लियर है ना भाई। अच्छा बताइए अगर मैं बात करूँ टॉप टू बॉटम, किसकी बात करूँ भाई, टॉप टू बॉटम, बताइए रिएक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। और आपको मालूम होना चाहिए नीचे वाला जो मेटल होता है वो चापा मेटल होता है, वो कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। कैसा होता है भाई, लेस रिएक्टिव। कौन सा मेटल सबसे लेस रिएक्टिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सबसे कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेस रिएक्टिविटी, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है, कौन, गोल्ड। बिल्कुल सही है आंसर, आंसर इज गोल्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं, आप लोग किसी का दिमाग में F2 आंसर आ रहा था क्या, मेटल की बात किया जा रहा था। अब देखिए रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, अरे भाई नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो लेता है, तो क्या हो जाएगा भाई, आप लिख सकते हैं ना टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसकी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। बताइए अब कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, जिसका लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, और मतलब जिसका एसआरपी का वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो कौन सा सबसे ज्यादा, कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन। तो यहां पे बताइए अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अच्छा बताइए हमारे सबसे पहले ऊपर में, यहाँ में तो ऐसे ही होता है ना भाई, I2, Br2, Cl2, F2, तो रिएक्टिविटी ऐसी है ना भाई, आयोडीन का तो सबसे कम होगा और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और आपको मालूम भी होना चाहिए भाई कि जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन फ्लोरीन, वो तो मोर निगेटिव इलेमेंट है भाई, अरे भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। क्या आप समझ पा रहे हैं, अब नेक्स्ट में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आप लोग जानते होंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से भाई, सोल्ट सॉल्यूशन से। जैसे बताइए लिखा है जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है भाई, आप समझ पा रहे हैं भाई, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराना है, अभी कॉपी नहीं करेंगे, पहले समझिए जिंक रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट, बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताइए क्या ये क्या में क्या है, कॉपर, अरे भाई चापा मेटल है क्या, हैवी मेटल है क्या, तो क्या वो हाइड्रोजन का नीचे में होगा, नीचे होगा मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा, अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा, और होगा तो क्या बनाएगा भाई, जिंक सल्फेट, और यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, कॉपर। क्या समझ पा रहे हैं, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो एक ग्लास है भाई और उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और आपने एक चम्मच डाला, और चम्मच किसका डाला भाई, जिंक का, और जैसे ही चम्मच डालेंगे तो देखेंगे कि फिर चम्मच आप नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि जिंक तो किसके साथ में मिल चुका है भाई, सोल्यूशन के साथ में। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, जिंक खत्म हो जाएगा मतलब वो सोल्यूशन बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर। अब ये नहीं कि आपने जिंक का चम्मच डाला बाहर में, बाद में कॉपर का चम्मच निकल गया, ऐसा नहीं होगा भाई, वो एक उसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, वो उसको अलग सेपरेट किया जा सकता है, क्लियर है ना, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है यहाँ में। अब देखिए मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मोर रिएक्टिव इलेमेंट लेस रिएक्टिव इलेमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, क्लियर है ना। अगर वही रिएक्शन मान लो ऐसा लिखा है कॉपर सल्फ, यहाँ में क्या लिखा है भाई, कॉपर, और यहाँ में लिखा है जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर तो नीचे होता है और उसकी रिएक्टिविटी होती है ज्यादा, ज्यादा या कम, कम,
ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव इलेमेंट मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। समझ पा रहे हैं भाई? तो या में नो रिएक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो जिंक होगा ना, ये कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है भाई, कॉपर प्लस टू, तो यही तो रिएक्शन कराना है कि ये प्लस टू को कौन लेगा। अरे भाई प्लस टू को कौन लेगा, अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये प्लस टू को ले लेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड एन प्लस टू, और कॉपर बाहर निकल गया। तो मतलब ये रिएक्शन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और बताइए क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ में, मान लीजिए ऐसा लिखा गया है, बताइए ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। और बताइए यहाँ से क्या बन जाएगा, NaNO3+, क्योंकि ये तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, समझ पा रहे हैं ना, तो रिएक्शन हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दो, सोडियम क्या है, मेटल, और ये भी क्या है भाई, मेटल, मतलब मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। उसी प्रकार हमारा क्या होता है भाई, नॉन मेटल नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस करेगा। जैसे मान लो लिखा है Cl2+Ki, क्या रिएक्शन करना है बताइए, या में ध्यान दीजिएगा, आई मतलब आई माइनस, और या में आयोडीन है और क्लोरीन है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन या आयोडीन, क्लोरीन। अगर क्लोरीन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो क्या ये ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, आई टू को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा भाई, KCl+I2, मतलब नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर वही आई टू होगा और यहाँ में KCl होगा, क्या रिएक्शन हो पाएगा। लेकिन क्या यहाँ में अगर एफ टू होगा तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि एफ टू तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ में देखो, ये बाद में आपको जब जरूर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है भाई, Cl2 तो है, यहाँ में Ki में क्या है भाई, आई माइनस, तो मतलब आई माइनस को कौन लेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव है Cl, तो Cl तो Cl माइनस ले लिया और आई किस में कन्वर्ट हो गया, I2, मतलब यही तो होगा ना भाई रिएक्शन। मतलब आप क्या देख रहे हैं, लिखिए भाई, एक पॉइंट लिख लीजिए कि मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, हो जाएगा ना। उसी प्रकार मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, नेक्स्ट पॉइंट में, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल एक दो लिख लीजिए, लिखना है तो हो गया होगा। ठीक है, अभी तक आपको तीन चार पॉइंट याद करना है। बताइए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा होता है, जो हाइड्रोजन का ऊपर में हमारा मेटल होता है, उनका SRP निगेटिव होता है, हाइड्रोजन का नीचे वाला इलेमेंट का SRP पॉजिटिव होता है। जो इलेमेंट का SRP की वैल्यू ध्यान से सुनेंगे, ऊपर वाला इलेमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला इलेमेंट लेस रिएक्टिव, ऊपर वाला मेटल को क्या बनाना है, एनोड, नीचे वाला मेटल को क्या बनाना है, कैथोड। क्लियर है ना भाई, ये याद रखना है, कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मेटल अबव हाइड्रोजन, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ एप्लीकेशन लिखेंगे, मेटल अबव हाइड्रोजन, मेटल अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस, मेटल अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोला गया है भाई, देखिए जो हमारा मेटल हाइड्रोजन का ऊपर में होता है, अगर उसके रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराने से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। मतलब बताइए क्या सोडियम की रिएक्शन अगर HCl के साथ में कराया जाए, किसके साथ में, डाइल्यूट HCl, या में देखिए कंसनट्रेटेड HCl होगा तो कहानी अलग होगा, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा क्या लिखा है भाई बताइए, जैसे जिंक लिखा है, क्या लिखा है, जिंक, और जिंक की रिएक्शन अगर कराया जाए किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा।
और भाई ये पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल होंगे ना उनकी रिएक्शन, हाइड्रोजन से अबव वाला कोई भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में कराएंगे तो कौन सा गैस निकलने वाला है? हाइड्रोजन। जैसे मान लो यहाँ में क्या है भाई, जिंक, और यहाँ में डाइल्यूट किसके साथ में कराया जाए, H2SO4। तो बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। और क्या कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस को हटा देगा और बताइए क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मान लो यहाँ में कॉपर है और उसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कराया जाएगा, रिएक्शन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन का नीचे वाला मेटल है, वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। लेकिन आप मुझे बताइए सोडियम है और इसकी रिएक्शन भाई डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन कराया जाए, बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। और कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट इज NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे। तीन पॉइंट लिखना है भाई, नोट डाल के तीन पॉइंट लिखिए। चलिए लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या यहाँ तक क्लियर होगा? फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे भाई, देखिए, मेटल प्लेस्ड एट हायर इन ईसीएस, ईसीएस मतलब, अच्छा बताइए मेटल को कहाँ प्लेस किया जाए, कहाँ किया गया है भाई, मतलब सबसे ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर प्लेस किया गया है, तो बताइए वो क्या बनेगा, एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा? तो ये क्या बन जाएगा भाई, फ्रॉम एनोड, ये इसको ना हम लोग एनोड बनाएंगे। अच्छा बताइए उस मेटल का, वो मेटल अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट? बताइए उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हो जाता है भाई, अच्छा क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपी कर लीजिए, मतलब वो ऐसे एरो बना के आप भी लिख लीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है उसको एनोड बनाना है और वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कौन हो जाएगा, सबसे ऊपर कौन सा है, लिथियम। अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2, क्या हो जाएगा, F2। चलिए सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, मेटल ऑक्सीडाइज बट मेटल केटाइन रिड्यूस, मेटल ऑक्सीडाइज बट मेटल केटाइन रिड्यूस, मेटल ऑक्सीडाइज बट मेटल केटाइन रिड्यूस। देखिए मेटल का तो ऑक्सीडेशन होगा भाई, लेकिन मेटल केटाइन का क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा भाई, रिडक्शन। देखिए आप मुझे बताइए, अगर मान लो लिखा है ए तो ये तो मेटल होगा 100%, लेकिन ए प्लस लिखा है तो ये क्या हो गया, मेटल का केटाइन, और मेटल का तो होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन, और मेटल केटाइन का क्या होने वाला है, रिडक्शन। क्या आपको याद आ रहा है, तो मैं बता रहा था जिंक और कॉपर को जब डाल रहे थे तो एक एक कॉपर कॉपर और कॉपर प्लस टू आपस में बात करेंगे, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर प्लस टू का रिडक्शन, लेकिन होगा तो सिर्फ एक ही। तो मैं बोला था कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो गया, अरे भाई मान क्यों लेना है, अगर वो मेटल है तो उनका होगा ऑक्सीडेशन, मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन और मेटल केटाइन का हमेशा रिडक्शन होगा। उसी प्रकार देखो नॉन मेटल का, याद रखेंगे नॉन मेटल का क्या होता है, रिडक्शन, नॉन मेटल का क्या होगा, रिडक्शन, लेकिन नॉन मेटल का एनायन का ऑक्सीडेशन। लिख लेंगे एक बार नेक्स्ट पॉइंट में, नॉन मेटल रिड्यूस बट नॉन मेटल एनायन, बट नॉन मेटल एनायन ऑक्सीडाइज, नॉन मेटल रिड्यूस बट नॉन मेटल एनायन ऑक्सीडाइज, मतलब नॉन मेटल का तो रिडक्शन होगा लेकिन नॉन मेटल का एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। याद रखेंगे भाई, देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो यहां में लिखा गया है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा, आपको पूछा जाएगा, बताइए लिखा है ए, लिखा है ए टू, लिखा है ए प्लस, लिखा है ए माइनस। ध्यान से सुनिएगा भाई, ए लिखा है मतलब मोनो एटॉमिक फॉर्म में तो हमेशा मेटल ही रहेगा, डाइमर हो गया तो क्या बन गया, नॉन मेटल। क्या बन गया भाई, नॉन मेटल। ये क्या है बताओ, मेटल। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, मेटल। लेकिन नॉन मेटल तो क्या था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो तो F2Cl2 Br2I2 डाइमेरिक फॉर्म में था ना ये, तो बताओ ये A2 लिखा है वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। अच्छा बताओ A प्लस मेटल का केटायन, ये क्या है भाई, मेटल का केटायन, और A माइनस एनायन किसका बनता है भाई, नॉन मेटल का, तो ये क्या होगा, नॉन मेटल का एनायन, नॉन मेटल का एनायन।
देखो याद रखेंगे, मेटल ए मतलब मेटल, A2 मतलब नॉन मेटल, ए प्लस का मतलब मेटल का कैटायन, और ए माइनस मतलब मेटल का एनायन। अब मुझे बताइए मेटल का क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। मेटल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल का क्या होता है बताइए? रिडक्शन। क्या होता है भाई? रिडक्शन। लेकिन मेटल कैटायन का क्या होता है? रिडक्शन। अरे भाई मेटल का तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, लेकिन मेटल कैटायन का रिडक्शन होगा। और बताइए नॉन मेटल का क्या होता है भाई? रिडक्शन। लेकिन मेटल, नॉन मेटल का एनायन का क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ये नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं हो पाएगा। सोडियम कैन डिस्प्लेस, सोडियम कैन डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, सोडियम कैन डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन। ऑप्शन ए, सोडियम किसको डिस्प्लेस कर पाएगा? अरे भाई सोडियम किसको डिस्प्लेस कर पाएगा? सोडियम देखो याद होना चाहिए ना, ली के बाबा काका ने, मतलब सोडियम का ऊपर में क्या है? सोडियम क्या लिथियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या बताओ, वो बेरियम को कर पाएगा? कैल्शियम को नहीं कर पाएगा, तो कर किसको पाएगा? जिंक को, मतलब क्योंकि उससे नीचे में आता है जिंक। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो सोडियम उसको डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस Cl2 गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस Cl2 गैस फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग, फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस Cl2 गैस फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग Cl माइनस आयन। क्या बोला है भाई? Cl माइनस को कौन Cl2 में कन्वर्ट कर पाएगा? कौन Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर पाएगा? अरे भाई जो Cl2 से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो, मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, किसकी रिएक्टिविटी Cl से ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है? फ्लोरीन। अगर ये फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? वो चार्ज ले लेगा और खुद इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अरे भाई ऐसे ही तो होगा ना ये रिएक्शन, तो कौन कर पाएगा भाई? F2। क्यों क्यों कर पाएगा? क्योंकि F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अरे भाई F2 की रिएक्टिविटी Cl से ज्यादा है, इसलिए F2 Cl माइनस को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा? Cl2 में। अरे भाई समझ पा रहे क्या आप लोग? अरे भाई माइनस ही तो लेना होता है ना, ये माइनस कौन लेगा? क्या ये I2 ले सकता है क्या? क्यों नहीं, क्योंकि I2 तो लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इज, चलिए नेक्स्ट में, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई देखिए, आइडेंटिफाई एलिमेंट हैविंग SRP, आइडेंटिफाई एलिमेंट हैविंग SRP लेस देन हाइड्रोजन, और इनके SRP आपको लिखा गया है, मोर देन वन आंसर सही हो सकता है। मोर देन वन आंसर सही। किसका SRP हाइड्रोजन से कम है? हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, तो जीरो से कम तो दो ही है। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर ए में लिखेंगे सोडियम Na, बी में कैल्शियम Cb, Ca, थ्री में Ag सिल्वर, और डी में Ni, फोर में लिखेंगे निकल Ni, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट निकल Ni। क्या होगा, क्या हो जाएगा? Na स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम। देखिए क्या होता है, ली के बाबा काका ने, ऐसा था क्या? कौन होगा?
हाँ वही मैं समझा रहा हूँ, कैल्शियम। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? नहीं समझ पा रहे हैं क्या भाई? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेंगे। फॉर फॉर एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, बताओ मेटल लिखा है नॉन मेटल लिखा है? ठीक है, फॉर एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर 2.78 वोल्ट कॉमा 1.58 वोल्ट कॉमा 1.23 वोल्ट राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा आप मुझे बताइए, एक्स टू का क्या था? 2.78, वाई टू का और जेड टू का? देखिए ये आपका इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सबसे पहले पहला काम क्या होगा, आपको ईसीएस बना लेना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बना लेना है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका एसआरपी का वैल्यू सबसे ज्यादा हो तो नीचे में ना होता है, पहले बताइए इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बनेगा भाई? बताइए सबसे ऊपर में कौन होगा? जो कम होगा वाई टू, वाई टू या जेड टू? बताइए जेड टू। उसके बाद कौन होगा? वाई टू। उसके नीचे में क्या होगा भाई? एक्स टू। तो ये तो हमारा बन गया क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और क्या पूछ रहा है भाई? रिएक्टिविटी। बताइए किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा? एक्स टू का, फिर किसका? वाई टू, क्योंकि जो नीचे में होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, एक्स टू वाई टू जेड टू। भाई सबसे ज्यादा मेटल जो रिएक्टिव होते हैं वो सबसे ऊपर में होते हैं, सबसे रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर में है, और सबसे नीचे नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सबसे नीचे में, ऊपर वाला मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और नीचे में सबसे नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है ना भाई? ऊपर में मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा और नीचे में नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? एक और क्वेश्चन कर लेंगे क्या आप लोग? अरेंज फॉलोइंग मेटल, अरेंज फॉलोइंग मेटल, अरेंज फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ए बी सी डी दिया है और इसका एस आर पी का वैल्यू भी दिया है, -0.25 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 4C का वैल्यू है -1.5 वोल्ट, 4D का है 1.2 वोल्ट। भाई सबसे पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख लीजिए, रिड्यूसिंग पावर बताना है, पहले ईसीएस बना लीजिए। तो भाई कौन सबसे ऊपर होगा, कौन ऐसा नीचे? अच्छा आप मुझे बताइए, अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज करें, ईसीएस में अरेंज करें भाई, तो बताओ सबसे ऊपर में कौन होगा? अरे भाई जो होगा जिसका एसआरपी की वैल्यू सबसे निगेटिव होगी, तो ए का वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद क्या होगा बताओ? सी, उसके बाद क्या होगा हमारा? बी, उसके बाद क्या होगा? डी। तो ये तो क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये एलिमेंट ऐसे अरेंज होंगे, और ऐसे अरेंज होंगे तो क्या पूछा है बताइए? रिएक्टिविटी नहीं पूछा है, रिड्यूसिंग पावर कौन होगा, क्या हो जाएगा? अच्छा मैं बोला था ना कि जो हमारा सबसे ऊपर में होते हैं, ईसीएस का सबसे टॉप में होते हैं, उनका क्या होता है भाई? वो तो एनोड बन जाते हैं, और उनका क्या होता है? वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लिखा है था ना भाई? और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो आप बताइए सबसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा? ए, उसके बाद क्या होगा? सी, उसके बाद क्या होगा? बी, उसके बाद क्या होगा? डी। आप ऐसे भी कर सकते थे भाई कि जिसका एसआरपी का वैल्यू सबसे कम वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? ऐसा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतनी।